नमस्कार। सरकार ने एक स्कीम चलाई थी प्राणवायु देवता, जिसमें 70 वर्ष से ज़्यादा के जो पीपल के पेड़ हैं उनकी पेंशन योजना है वो शुरुआत की थी। और 2023 में आपको बता दें कि उन किसानों को उन जो मतलब इस तरह के जो पीपलों की देखभाल करते थे या देखभाल कर रहे थे लगातार उनकी और समय समय पर उनका ध्यान रखते थे, उनके लिए सरकार ने पेंशन योजना की शुरुआत की थी। लेकिन गांव भानपुरा में इस समय हम मौजूद हैं और खेत में भी मौजूद हैं और वन विभाग के अधिकारी आपको बता दें कि यहां जिस पीपल की जो पेंशन है वो बंदी थी, तो उसके पास आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है मैं प्राणवायु देवता, हिंदी भाषा में इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कितने वर्षों का ये पीपल का पेड़ है। और गाँव भानपुरा का किसान है विजयपाल, आपको बता दें कि इसके जो पीपल की पेंशन है अभी तक नहीं बन पाई है और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। तो इससे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका और कहां कहां ये गए और आखिरकार क्यों इनके जो पीपल का पेड़ है और 98 साल का आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है इसकी पीपल के पेड़ की आयु 98 वर्ष है, 98 वर्ष का ये पीपल का पेड़ हो गया है उसके बावजूद भी इनको इसकी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो पूरा मामला बताइए जी, जैसे पीपल का आपके पत्थर भी यहाँ लगा हुआ है खेत में, तो क्या मामला है, क्यों नहीं पीपल के पेड़ की आपकी पेंशन बंद पा रही? 3-4 महीने हो गए पत्थर गड़े ने भी साहब, और मैं अधिकारियों दौरे भी जा लिया, वन विभाग वाले दौरे भी जा लिया, तो वन विभाग वाले दौरे गया था मैं, वो बोले भाई मां हमने अपील डाल रखी है और तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। अब तक खाते में पैसे नहीं आए। इन्हें 14 तारीख ने फिर अप्लीकेशन लिख के पंचकूला भेजी थी, दोबारा फिर मैं गया, फिर नहीं पिलसन आई। तो मेरे को बोले भाई आप पंचकूला जाओ, पंचकूला से समाधान होगा। कल मैं डीसी ऑफिस में भी गया था, वहाँ वन विभाग वाला कोई बैठे नहीं था, तो मैडम ने वो मैडम थी डीसी, उसको अप्लीकेशन दे के आया हूँ। ये पता नहीं कब पैसे देंगे कब नहीं देंगे, अगर मैं इसको कटवा देता हूँ तो फिर इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी जी। तो जो डॉक्यूमेंट है सारे जमा करवा दिए मैंने, कोई डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं। सब क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने? डॉक्यूमेंट उन्हें बैंक खाते की कॉपी मांगी थी, मेरी फोटो मांगी थी, अरे और तो शायद वो खेत की रजिस्ट्री के कागज मांगे थे मैंने, ले फर्द। अच्छा, फर्द मांगी थी। तो दिक्कत कहाँ बता रहे हैं अधिकारी? दिक्कत ये कह रहे हैं भाई वो सबके डल गए, तेरे क्यों नहीं डल रहे, कारण के हमने भी नहीं पता क्यों नहीं डल रहे। 2-3 बंदे रह रहे हैं शायद, एक और था मेरे साथ ओम प्रकाश गाँव का इबानपुरा से, उसका मेरा कट्ठा ही काम था, उसकी तो आ गई थी, मेरी आ नहीं रही, ये नहीं पता। सरकार तो पैसे दे रही है आगे, कर्मचारी नहीं कर रहे काम, सरकार तो कह रही है पैसे डाल रही है दे रही है, अधिकारी नहीं कर रहे आगे, बस और कोई रोला नहीं मेरा ख्याल करे। तो ये कितने साल का पेड़ है आपके? ये कम से कम 100 साल 98 साल का हो रहा। अच्छा। हाँ, पेड़ की तो बहुत रखवाली कराम, देखो कितने पेड़ लगा रहे हैं, आगे भी देख सका आप पेड़ लग रहे हैं, जामन के भी, आंवले के भी, अमरूद के भी, और जो ऐसे करते सरकार नहीं करती तो फिर हम इसको ये जगह ही रोक रहे हैं, फिर हम इसको कटवा देंगे। हम तो ये सोच रहे हैं भाई ऑक्सीजन देता है पर्यावरण में सुधार रहे है, लेकिन सरकार हमें दे नहीं रही कुछ। अब क्या मांग करते हो आप? बाप यही मांग करते हैं कि हमारे खाते में पैसे डाल देने चाहिए सरकार ने। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, जब सरकार तो मतलब सरकार तो दे रही है ना पैसे, अधिकारी नहीं दे रहे आगे, सरकार ने तो दे दिए सबके जी जी, अधिकारियों की कमी है कोई? अधिकारियों की कमी मानते हो? हाँ, अधिकारियों की कमी है, जब सबके पैसे आ गए सरकार ने सबके दिए, हमारे क्यों नहीं दिए देवेगी जी जी, सरकार ने दे दिए अधिकारी नहीं दे रहे जी। तो आप देख सकते हैं कि विजयपाल है ये, जिसके पीपल की जो पेंशन अभी तक नहीं बन पाई है, और ये पीपल का पेड़ भी आप देख सकते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और पेंशन की बाट जो रहा है। तो उन अधिकारियों से भी अपील है, विनती भी है कि इस पीपल के पेड़ की या इस किसान की भी जो लाभ सरकार दे रही है पेंशन का, उसको जो लाभ है वो दिया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।